हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे हमने 1.2 प्रैक्टिस एट सिमिलैरिटी लेसन्स के जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे वो किए थे। नाउ टुडे वी गो टू सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ पेज नंबर 18 एंड 19 बिफोर 1.3 एक्सरसाइज। तो इसमें के जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो मैं बोलूँगी सभी है, पढ़ना तो आपको सभी है। देन ऑल्सो फ्रॉम पेज नंबर 19 वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड पेज नंबर 20 से एग्जाम्पल 4, जो कि वो एक एक्टिविटी है, और एग्जाम्पल 5। ये एग्जाम्पल 5 ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, अगर ये आता है तो आपको 3 या 4 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, सो इंस्टेड नाउ विल प्रोसीड टू अवर। सो पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, ये क्या है, सिमिलैरिटी लेसन है आज का भी एंड सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ पेज नंबर 19 का करेंगे एंड 20 करेंगे। टुडे इज 23 फरवरी। फाइन, तो वी आर गोइंग टू डू एग्जांपल 2। क्या बोला है एग्जांपल में, आपको दो ट्रायंगल दिया है, आर टू ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इफ यस बाय विच टेस्ट। ओके, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है फिगर में, अगर है तो कौन से टेस्ट से है आपको वो बताना है। सो आवर फिगर इज लाइक दिस वे, दिस इज पी एम एन एंड दिस इज यू वी डब्ल्यू। यहाँ आपको बताया कि एम एंगल और वी एंगल सेम है। दिस इज 6, दिस इज 3, ये 10 है और ये 5 है। फाइन, सो सॉल्यूशन करेंगे इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू। पी एम अपॉन यू वी, ठीक है, पी एम अपॉन यू वी किसको इक्वल है, 6/3 को, 3 1 3, 3 2 6, आपको मिल गया 2/1, इसको आप 1 दे दो। नेक्स्ट एम एन अपॉन वी डब्ल्यू इक्वल टू 10/5, 5 1 5, 5 2 10, ये भी आपको मिल गया 2/1, इसको आप 2 दे दो। तो इस हिसाब से ये साइड इसको इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, ये साइड के प्रोपोर्शन। देयरफॉर पी एम अपॉन यू वी इज इक्वल टू एम एन अपॉन वी डब्ल्यू फ्रॉम 1 एंड 2। सो और क्या बोला है, एंड एंगल आपको दिख रहा है यहाँ साइनिंग एंगल का, एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वी, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड किस साइड किस सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल पी एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, इजी है सम, ऐसे थर्ड सम भी है हमारा एग्जाम्पल 3। क्या बोला है, कैन वी से दैट द टू ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, आपको बताना है कि ये दो ट्रायंगल्स जो फिगर में है ये सिमिलर है क्या, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन। इफ यस बाय विच टेस्ट। ओके, अगेन यहाँ आपको फिगर में इंफॉर्मेशन दिया है
और आपको बताना है कि जैसे हमने ये सम किया ना, इसको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। अगर वो इक्वल होगा तो वो सिमिलर बता सकते हैं, नहीं होगा तो हम देखेंगे क्या करना। वन ट्राइंगल इज गिवन, दैट इज एक्स वाई जेड, ठीक है। ये 14 दिया हुआ है एक्स वाई, वाई जेड आपको 20 दिया हुआ है। दूसरा जो ट्राइंगल है वो है एम एन पी, दिस इज 21 एंड दिस इज 30, ठीक है। अब सेम यही ट्राइंगल ले लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल है, आपके फिगर्स नहीं नजर आता, आप यहाँ डायग्राम यहाँ देख लो। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एम एन पी। अब पहले हम एक्स वाई अपॉन एम एन करेंगे। एक्स वाई अपॉन एम एन इक्वल, एक्स वाई क्या है आपको 14 दिया है, एम एन क्या दिया है 21। ये जो दोनों है ये किस कौन से टेबल में जाते हैं, 7 के टेबल में। 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, आपको रेशियो यहाँ मिल गया 2/3। अब नेक्स्ट वाई जेड अपॉन एन पी इक्वल 20/30, हाँ ये 0 0 गट, अगेन आपको यहाँ क्या मिल गया 2/3। और आपको फिगर में क्या बोला है, जेड एंगल किसको कॉन्ग्रेंट है, पी को, हाँ एंगल जेड इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, ये आपको दिया हुआ है, फाइन। बट क्या हो रहा है, अगर आप फिगर देखो, साइड्स एक कॉर्नर साइड में है और एंगल एक साइड में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जैसे पिछला फिगर में दो साइड्स के बीच में एंगल था, वैसा नहीं है। ये साइड्स इंक्लूडेड नहीं है, वो साइड मतलब ये एंगल इंक्लूडेड नहीं है साइड के बीच में। तो हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है हम जिसे सिमिलरिटी, हमारे पास एस ए एस होता है, एस 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 होता है, ए ए होता है, एस ए ए होता है, बट ऐसा है नहीं। तो क्या बोलेंगे, हमको ये कोई भी इससे सिमिलर मिल नहीं रहा, लिखेंगे बट इज एंगल जेड एंड एंगल पी आर नॉट इंक्लूडेड एंगल बाय साइड्स विच आर इन प्रोपोर्शन, है ना। इंक्लूडेड एंगल्स बाय साइड्स विच आर इन प्रोपोर्शन। इस वजह से क्या हो जा रहा है, ट्रायंगल हमारा एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी कैन नॉट बी सेड टू बी सिमिलर, दैट मच ओनली। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर ये एंगल इंक्लूडेड होता इनके बीच में तो ये भी क्या होता, एस ए एस टेस्ट से हो जाता, या तो दो एंगल साइड इंक्लूडेड होता तो ए एस से टेस्ट होता। बट यहाँ ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए हमारे पास हमने क्या बोला उसको, इट इज़ नॉट सिमिलर। ओके, नाउ विल गो टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सो ऑलवेज रिमेंबर जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन रहेंगे कभी छोड़ना मत, वो आपने करना ही करना है। इट इज़ अ स्कोरिंग सम्स, आपको मार्क्स इजीली मिल जाते हैं वहाँ। नाउ इन द एडजॉइनिंग फिगर बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए सी and CQ is perpendicular to AB and P is in between A and C and Q is in between A and B, then you have to prove triangle APB and triangle AQC are similar, hame prove karna hai, okay। So diagram hamara kya hai, आपको ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। बी पी परपेंडिकुलर है ए सी को एंड सी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी को, इस तरीके से आपको बताया है। अब हमारा जो और क्या बोला है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू सी, एंगल ए पी बी इक्वल क्या, एंगल ए पी बी कौन सा डिग्री है, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आपने 1 दे देना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड एंगल ए क्यू सी भी कितना डिग्री है गाइस,
ए क्यू सी इट इज़ ऑल्सो 90 degree, दिस इज 2. ओके, सो 102 के हिसाब से क्या हुआ, एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू सी फ्रॉम 1 and 2. देयरफॉर एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू सी, यहाँ रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2. ओके, अब एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए सी, क्यों, देखो ए जो एंगल है दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है पी ए बी एंड क्यू ए सी, सो एंगल ए इज वॉट कॉमन दिस, यहाँ रीजन आएगा कॉमन एंगल, फाइन. देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू सी बाय, ये दोनों हो गया ना एंगल, एंगल हमने बता दिया, तो विच टेस्ट दिया कॉन्ग्रुएंट, ए ए टेस्ट, या अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है. नाउ विल गो टू अवर फिफ्थ एग्जाम्पल, दैट इज फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड विल सी व्हाट आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3, मार्क कर लेंगे एंड कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. सो एग्जाम्पल फिफ्थ, वॉट इज गिवन देयर, डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एन पॉइंट क्यू इफ 2QA इज इक्वल टू क्यू सी एंड 2QB इक्वल टू क्यू डी, देन प्रूव दैट DC इज इक्वल टू 2AB. ठीक है, अब हमें क्या दिया है, आपका क्वाड्रिलैटरल आपको ऐसा दिया गया है, बी ए सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है, क्यू डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी डी सी ए बी सी डी इंटरसेक्ट पॉइंट क्यू, ए बी सी डी का जो डायगनल है बी सॉरी बी डी है, बी डी एंड ए सी जो डायगनल है वो कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, क्यू पर. आपको बोला है 2QA इक्वल टू क्यू सी एंड 2QB इक्वल टू क्यू डी, तो आपको प्रूव करना है कि डी सी भी क्या है, इक्वल टू 2AB. तो जो दिया है आपने पहले वो लिख लेना है, दिया क्या है 2QA इक्वल टू क्यू सी एंड 2QB इक्वल टू क्यू डी. इवन यू कैन राइट दिस ऑल्सो, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट क्यू, ये भी लिख सकते हो. एंड वॉट यू हैव टू प्रूव, डी सी इक्वल टू 2AB. बुक में सी डी लिखा है, आप सी डी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, नाउ प्रूफ 2QA इक्वल टू क्यू सी, 2QA इक्वल टू क्यू सी, देयरफॉर QA अपॉन क्यू सी इक्वल, अब QA से 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 कहाँ आना बनता है, नीचे, ऊपर क्या आएगा 1. ठीक है, 1/2, इसको आपने 1 दे दिया, फाइन. वैसे हम करेंगे 2QB इक्वल टू QD, therefore QB upon QD equal to 1/2, give it 2. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. अगर आप देखो QA upon QC is 1/2 and QB upon QD is 1/2, that means QA upon QC is equal to QB upon QD. So therefore QA upon QC is equal to QB upon QD. यहाँ रीजन रहेगा from 1 and 2. ठीक है, अब हम ट्रायंगल्स लेंगे. इन ट्रायंगल ए क्यू बी, विच ट्रायंगल, ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी क्यू डी,
हमने ऑलरेडी साइड्स बता दिए, क्यू ए अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी, ये साइड्स हमने प्रोपोर्शन में ऑलरेडी बता दिए हैं. सो क्यू ए अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी, इसको हम बोल सकते हैं प्रोड, या तो आप यहाँ थ्री देखे फ्रॉम थ्री लिख सकते हो, एनी थिंग यू कैन डू. फाइन, इतना पार्ट क्लियर. अगर आप यहाँ देखो ए क्यू बी एंगल जो है उसको इक्वल है कॉन्ग्रेंट है सी क्यू डी को, फॉर विच रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, एंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी क्यू सी, यहाँ रीज़न आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो अब आप देखो क्यू ए क्यू सी क्यू बी एंड क्यू डी, और इसके बीच में क्या है, ये एंगल इंक्लूडेड. तो ये जो ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर हो गए, बाय एस ए एस एस, देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू डी बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलारिटी. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर ये सिमिलर है तो जो जितने भी साइड्स इसमें भी ये दो ट्राइंगल में रखे वो भी प्रपोर्शन में हो गए. हमने इसको इसको बता दिया, इसको अभी क्या रह गया, ए बी और सी डी रह गया. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन सी क्यू, हम क्यू ए लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, आप क्यू ए भी लिख सकते हो, आप कन्फ्यूज मत हो. क्यू ए अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी सी. ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल फाइन. सो बट हमने ऑलरेडी बोला है क्यू ए अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो देयरफॉर ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर डी सी इक्वल टू टू ए बी. आया समझ में कैसे हमने सॉल्व किया इसको, तो दिस वे इट हैज़ बीन प्रूव. फाइन, नाउ फ्रॉम प्रैक्टिस सेट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन ले लेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सेवन. ठीक है, मार्क कर लीजिए आप लोग, मैं वापस करती हूँ. आई थॉट कि आप लोगों को कैमरा दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर वन ओके, देन क्वेश्चन नंबर थ्री मार्क इट, क्वेश्चन नंबर फोर ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर सेवन ये बहुत बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन दे आर ऑल बड़े, अगर एक सम्स आते हैं तो ये फोर मार्क के लिए आ सकते हैं आपको. ठीक है, प्लीज़ स्टूडेंट स्टडी हार्ड, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम टीचिंग टू यू, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय.